दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अटेन 25 mg टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दबाना ना भूले क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसकी अपडेट अब तक पहुँचती रहेंगी। दोस्तों ये जो अटेन 25 mg टैबलेट मार्केट में आती है झाइडस कैडिला कंपनी की आती है। ये 14 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 14 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है जिसकी कीमत रहती है 27 रुपये और 90 पैसे यानी 27 रुपये 90 पैसा। पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट की दुकान में मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले है। दोस्तों इसके अंदर अटेनेलॉल 25 mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये अटेन 25 mg टैबलेट मार्केट में आती है, ये मेनली हाइपरटेंशन के लिए यूज़ की जाने वाली दवा है। दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, आपको उच्च रक्तदाब की शिकायत है तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। बेहतरीन दवा है दोस्तों अटेन 25 mg टैबलेट। दोस्तों ये आपको भविष्य में अगर कुछ दिल के दौरे हो सकते हैं, कुछ स्ट्रोक आ सकता है या फिर कुछ माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है उसको रोकने में भी मदद करता है। दोस्तों बेहतरीन दवा है, आपको जो हाइपरटेंशन की शिकायत है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है उसके लिए बेहतरीन दवा है अटेन 25 mg टैबलेट। दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके सर में चक्कर आ सकते हैं, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट पे प्रेशर आ सकता है, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेज के बारे में देखेंगे कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे रोजाना 1 गोली लेना है। डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।